सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर चीज के पीछे मत भागो, बस एक में मन लगाकर उसे पूरा करो। अगर आपको आज के हालातों से दुख हो तो उसे बदलने पर ध्यान दो, ना सोचो कि कोई और बदलेगा। भविष्य के निर्माण के लिए आज के कार्य सही तरीके से करने होंगे। जमाने में अगर आप सच्चे हैं तो भले आज आपसे कोई दूर रहे, कल बहुत से आएंगे। आज का पंचांग 29 सितंबर 2024 दिन रविवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 4:46 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 6:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:43 से 6:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज है मांग श्राद्ध और प्रदोष व्रत। मकर राशि 29 सितंबर 2024 दिन रविवार, आप दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई काम शुरू कर दे तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं जाते, आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते, इसीलिए आप उनसे आगे हैं। अपना यह नजरिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी पहुंच सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, खास लोगों के साथ बने संपर्क फायदेमंद रहेंगे। युवाओं को कोई प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की उच्च संभावना है। धर्म कर्म के प्रति बढ़ता रुझान आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पॉजिटिव रखेगा। भावनाओं पर नियंत्रण करना आपके लिए संभव है। अपने बर्ताव में किए बदलाव की वजह से अन्य लोगों का आपके प्रति बर्ताव बदलेगा। जो बातें आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बना रही है उनसे बचें। सकारात्मक रहें, अपनी कार्य क्षमता के लिए जागरूक रहें। आप अनेक बातों पर ध्यान देते हुए काम में सुधार कर पाएंगे। रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानी को फिलहाल प्रकट करना कठिन है, आज इस बारे में विचार न करें। पैर दर्द की समस्या भी हो सकती है, ख्याल रखें। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकती हैं। आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके घर परिवार की जिम्मेदारियां अधिक रहेगी, लेकिन भाई बहन आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। किसी से यदि आपने धन उधार लिया था तो उसे आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। सावधानियां, भूमि संबंधित कोई भी कार्य करना या निवेश करना आज टालना ही बेहतर है। गुस्से तथा जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, बना बनाया काम बिगड़ सकता है। किसी भी कार्यक्रम आदि में शामिल होते समय अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर के किसी मुद्दे को लेकर सदस्यों के बीच कुछ नोकझोंक रह सकती है, लेकिन संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर भी मिलेगा। आप अपने संबंध में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और आज आपकी सोच विचार में असामान्य स्पष्टता रहेगी। आप भावनाओं में बहे बिना बिल्कुल साफ सोच पाएंगे कि आप फिलहाल कहाँ हैं और यहाँ से आपको कहाँ जाना है। आप यह भी आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी जिस रास्ते पर है फिलहाल आप उससे खुश हैं या नहीं, उसे बदलना है या नहीं। बात करते हैं करियर की। कुछ छुपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रतापूर्ण भाव से आपके साथ काम कर रहा है, पर जैसे ही इतिहास अपने आप को दोहराता है यह व्यक्ति प्रतिकार कर सकता है या इसके विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं। आज आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने सारे कार्यों का निष्पादन सही समय पर कर लें ताकि काम का कोई बोझ ना रहे और आपको अपने मालिक की डांट ना सुननी पड़े। बात करते हैं करियर की। दूसरों के बारे में सोच सोच कर खुद को तनाव ना दें, क्योंकि जब तक आप यह सब करते रहेंगे पूरी व्यर्थ की सोच विचार और चिंता से उभर नहीं पाएंगे। अगर दवाइयों से अधिक फायदा नहीं हो रहा है तो
किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही ठीक रहेगा। योग और ध्यान से बहुत आराम भी मिलेगा आपको। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज गुड़ का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।